आज मैं आपको पुरानी शर्ट से कुछ नया बनाना बताऊंगी। तो इस तरीके से मैंने एक पुरानी शर्ट ली है। वैसे तो ये बिल्कुल यहाँ से नई सी है, ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन इसकी कॉलर कलर फेड हो चुका है, बाकी यहाँ सब कुछ है, तो इसलिए इसको पटका भी नहीं जा सकता। तो हम इसमें से कुछ नया पैटर्न तैयार कर सकते हैं ताकि ये फिर से यूज में आ जाए। अगर वीडियो आपको पसंद आए ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए बना सकूं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं दूसरे पैटर्न में तैयार करने के लिए। तो सबसे पहले हम इस शर्ट की पॉकेट को रिमूव करेंगे इस तरीके से, पिन से या आप ब्लेड से इसको हटा सकते हैं। उसके बाद हम इसकी कॉलर को रिमूव करेंगे। तो जैसे इसका गला है वहीं से हम इसकी कटिंग करते जाएंगे। इस तरीके से हमने कॉलर को भी रिमूव कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर ये गला छोटा है, अगर आपको छोटा रखना है तो इतना ही रख लीजिए, अगर आपको गला दूसरे गले में ट्रांसफर करना है तो इसकी भी हम और कटिंग कर लेंगे। मुझे यहाँ पर बॉट गला बनाना है तो इसकी बॉट गले की कटिंग भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी स्लीव्स भी हटा लेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। अब हमें इसका जो गला है उसको हम बॉट नेक में कटिंग कर लेते हैं इसकी। तो शोल्डर देख लेते हैं। तो देखिए शोल्डर यहाँ पे हमारे 17 इंची आ रहे हैं, तो हम इतना ही रखेंगे शोल्डर, क्योंकि सिलाई में चल जाएगा। अब शोल्डर के इधर से हमें यहाँ से 4 इंची पर मार्क लगा लेना है। ये दोनों साइड से हमने 4 इंची मार्क लगा लिया। अब ये हमारा जो है इसमें हम इसको बॉट नेक में कट कर देंगे। तो इस तरीके से हम इस पर राउंड लगा लेंगे। इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि इसके शोल्डर जुड़े हुए हैं तो इसलिए हम इसको फोल्ड करके नहीं कर सकते। तो ऐसे ही हम इसको निकालेंगे। थोड़ा कटिंग हम बैक साइड से भी कर लेंगे वही वॉट नेक स्टाइल में। तो पहले हम आगे की कटिंग कर लेते हैं। यहीं पे हमें कैची छोड़ देनी है, इधर से भी हम ऐसे ही कर लेंगे। दोनों तरफ हमने इस तरीके से कटिंग करके कैची को यहीं छोड़ दिया है। अब देखिए बैक का गला आ गया है यहीं पे, तो इसको भी हम इस तरीके से चौक मार्क लगा के कटिंग कर लेंगे। तो हमारा बैक और फ्रंट दोनों में ही बॉट नेक गला तैयार हो जाएगा। अगर आपको लगे कि आपका गला कहीं से भी थोड़ा हल्का कम या ज्यादा लग रहा है तो आप इसकी दोबारा से मार्किंग कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ से लग रहा है तो मैं यहाँ पे हल्की सी कटिंग और कर दूंगी। अब इसकी शेप बराबर आ गई है, तो ये तो हमारा गला कट के तैयार हो गया। अब हमें इसकी कितनी लंबाई रखनी है वो हमें लगा लेनी है। तो मुझे यहाँ पर इसकी 25 इंची लंबाई रखनी है। तो हम शोल्डर से इसकी 25 इंची लेंगे। तो देखिए ये 25 इंची आ गया। 25 इंच पे मैं एक पॉइंट लगा दूंगी इस तरीके से। थोड़ा सा मैं इसे फोल्ड के लिए ले लूंगी, तो मैंने 25 के समथिंग ये ले लिया है। इस तरीके से एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे सीधी। अब यहां से भी हम इसे कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी लंबाई लगा के हमने तैयार कर लिए और शोल्डर हमें इतने ही रखने। अब हम इसके जो अंदर की हमें जो मार्जिन लेना है, यानी जो हमें चेस्ट के निशान लगाना है, वो हमें अब इसके बटन खोल के लगाएंगे हम। चलिए इसके बटन खोल के, तो इसको मैंने उल्टा कर लिया है क्योंकि मार्किंग हम उल्टे पे लगाएंगे। अब उल्टा कर लिया है मैंने इसको डबल में। अब इसको एक बार और कर लेंगे। तो ये यहाँ पे मुझे इसके 34 इंच की मार्क लगानी है, यानी चेस्ट मुझे 34 लगाना है। 34 का फोर्थ 8.5 हो जाता है। ये देखिए यहाँ से 8.5, यानी हमें यहाँ पे एक मार्क लगाना है। तो इतना सा ही मार्जिन इसमें आएगा। उसके बाद कमर मार्क लगाना है, तो यहाँ से हम आर्म होल से और हम नीचे तक की टेप को ले जाएंगे। 6.5 इंची पर एक पॉइंट लगा लेना है। तो यहीं से हम इसकी कमर मार्किंग लगाएंगे। 7 इंची हम इसकी कमर मार्क लगाएंगे। 28 इंच है तो 7 लगा लेंगे फोर्थ के हिसाब से। ये कमर हो गई, तो ये यहाँ से हम इसको इस तरीके से मिलाते हुए, और ये
इस तरीके से इसकी फिटिंग दे देंगे। अब ये मार्क हमारी फिटिंग वाली लग गई है, अब इस वाले हिस्से को हम इसके ऊपर रख देंगे और दूसरी मार्किंग भी हम इस पर ट्रेस कर लेंगे। इस तरीके से हमारी दोनों साइड मार्किंग लग गई है। अब हमने इसे फिर से सीधा कर लिया है, इसे हम एक तरफ रख देते हैं। अब हम स्लीव्स कटिंग करते हैं। तो ये दोनों स्लीव्स हमारी इस तरीके से हैं। तो पहले हम इसकी जो ये रफ सिलाई है उसको निकाल लेते हैं। अब हम इसके लंबाई की मार्क लगाएंगे। तो हमें तैयार इसमें 11.5 चाहिए, मैंने यहाँ पे 12 इंची पे मार्क लगाया है। तो 12 इंची की स्लीव्स में यहाँ पे कटिंग कर लूंगी और दूसरी भी हम इस पर रखकर कट कर लेंगे। इस तरीके से मैंने दोनों स्लीव्स को कट कर लिया है। दोनों स्लीव्स के जो हमारा बीच वाला हिस्सा है उसमें से हम 1.5 इंची की दोनों में से पट्टी निकाल लेंगे, क्योंकि हम स्लीव्स में डिजाइन लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंची का मार्क लगा दिया है। तो ये 1.5 इंची का मार्क हमने लगा लिया है। इस पट्टी को मैं यहाँ से निकाल दूंगी, इसी तरह इसमें से निकाल लेंगे। दोनों स्लीव्स में से मैंने बीच में से इस तरीके से एक पट्टी निकाल ली है, यानी 1.5 इंची की मैंने निकाली है तो 3 इंची की निकल गई है, डबल में निकाली है इसको मैंने इस तरीके से। तो ये 3 इंची की पट्टी हमारी यहाँ निकल गई है। अब हम इन पट्टियों में से स्ट्रिप्स बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे इन पट्टियों में से और कट कर लेती हूँ। इस तरीके से मैंने ये 4 पट्टियां काट ली है। स्लीव्स हमारी है ही अलग, और अगर हमें कम पड़ेगी तो ये हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है अभी इस टाइप का, ये बच रहा है तो इनमें से हम बना लेंगे। तो पहले मैं स्ट्रिप बना के तैयार कर लेती हूँ। और यहाँ पे जो स्लीव्स हमारी है तो इस तरीके से हमें यहाँ पे दोनों तरफ ऐसे इसको फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। इस वाली को भी फोल्ड कर लेंगे और इधर से भी हम इस तरीके से इन्हें फोल्ड कर लेना है और इसमें भी इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो दोनों स्लीव को हम दोनों तरफ से फोल्ड कर लेंगे और इन स्ट्रिप्स को बना के तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें ये स्ट्रिप बना लेनी है। और ये जो दोनों स्लीव्स थी मैंने यहाँ से दोनों तरफ से इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अभी हमें इनकी बीच में से कटिंग करेंगे, यानी दोनों को अलग अलग भी करेंगे। लेकिन इस तरह ये स्ट्रिप जो मैंने बनाई है इसको कटिंग तो मैंने आपके सामने ही की थी, बीच वाला हिस्सा निकाला था वही कपड़ा है ये। तो इसको इस तरीके से एक बार फोल्ड किया और एक बार ऐसे किया और इस तरीके से करके ये मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। तो इस तरीके से बना के तैयार कर लिए। अब हम इनमें से 3.5-3 इंच की छोटी छोटी टुकड़े कट कर लेंगे इन स्ट्रिप में से। तो 3.5 इंची का एक टुकड़ा मैं कट कर लेती हूँ। इसी तरह हमें ये सारे टुकड़े कट कर लेने हैं। तो इस तरीके से इसको 3.5-3 इंची की मैंने कटिंग करके तैयार कर लिया है। अब हम एक स्लीव्स के एक हिस्से को कट करेंगे। अब ये हमारी इस तरीके से स्लीव हो जाएगी। तो ये इसको हम अलग रख देते हैं, एक स्लीव लेते हैं। अब एक स्लीव में हम इस तरीके से इसको लगाते जाएंगे। हमारी स्ट्रिप जो तैयार की हमने तिरछे में, करीबन हमको 1.5-1.5 इंची के अंतराल में हमें ये लगा लेना है। तो यहाँ पे मेरी 5 स्ट्रिप लगी है और इसी तरह हम इस पे लगाएंगे इस तरीके से। तो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए हम इनको सिल लेंगे। तो करीब एक में 5 यानी 10 स्ट्रिप हमने यहाँ पे सेट करी है। तो इसी तरह हम ये दूसरी वाली स्ट्रिप्स को भी सेंटर मार्क देके हम इसकी कट करेंगे। तो इसी तरह हमें इसमें भी इसी तरह स्ट्रिप बना लेनी है। ये एक हाथ की बनी है, ये 3 बची है इसमें से। तो पहले मैं इनको ज्वाइंट कर लेती हूँ इस तरीके से। इन स्ट्रिप को हम यहाँ पर बिल्कुल क्रॉस वाइज इसमें सेट कर लेंगे, जैसे ये मैंने किए। अब यहाँ पर हमें ये जो हमारा सेंटर पोर्शन है ये वाला डेकोरेट करने के लिए मोती या बटन जो भी आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर इस तरीके से सुई से मोती लगा रही हूँ।
तो इस तरीके से मैंने ये दोनों स्लीव्स तैयार कर लिए। इसमें बीच में मोती लगा के डिजाइनर है स्लीव्स हमारी बन गई है। हमारा टॉप इसके हम गले को तैयार करते हैं। तो गले के लिए हम ये जो हमारा कपड़ा बचा था स्लीव में, इसमें से पट्टियां निकालते हैं। एक पट्टियां कट कर लेंगे। तो इस तरीके से इस कपड़े को हम सीधा कर लेंगे और इसमें से तिरछी पट्टियां हम निकाल लेंगे। तो अब इन हमारी पट्टियों की हम जो है तिरछी कटिंग है, इनके कॉर्नरों को हम सेट कर लेंगे और इस तरीके से इनको एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख के और तिरछे में हमें जॉइंट कर लेनी है। सभी पट्टियों को हम एक दूसरे के ऊपर रख के जॉइंट करके एक लंबी पट्टी तैयार कर लेंगे। इस तरीके से मैंने इनको जॉइंट करके एक लंबी पट्टी बना ली है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर थोड़ा इतना छोड़ देना है क्योंकि मैं यहाँ पर एक लटकन लटकाऊंगी। हम इस पट्टी को लगाते हैं। तो इसको लगाने के लिए इस तरीके से हम उल्टा रखेंगे इसको और उल्टे की तरफ से हम पाइपिंग लगाएंगे। तो पहले हमें जितनी छोड़नी है यानी 4 या 5 अंगुल यहाँ छोड़ देना है और यहाँ से हम इस पट्टी को भी पट्टी भी हमें उल्टी लेनी है और ये गला भी हमें उल्टा ले लेना है। तो उल्टी में हमें ये लगानी है और इस तरीके से हमें ये लगा देनी है। इस तरीके से मैंने इसको देखिए पूरे गले पर सेट कर लिया है। यहाँ अब देखिए बटन जिधर लग रहे हैं उधर हमारी सेट सीधी है। तो देखिए मैंने इसे ऐसे लगाया है। तो पहले हम इस गले के जो राउंड शेप है वहां पे छोटे छोटे कैंची से कट लगा लेंगे ताकि ये पट्टी घूमने में आसानी रहे। इस तरह अब हम इसको फोल्ड करते हैं सीधे की तरफ। तो जो हमने कपड़ा छोड़ा था उसको थोड़ा यहाँ से इस तरीके से बारीक में फोल्ड कर लेंगे, मतलब पतली सी यहाँ पर हम डोरी बना लेंगे इस तरीके से। देखिए कितनी गोल राउंड में हमारी ये पाइपिंग बैठी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने थोड़ा कपड़ा छोड़ा है वो भी रह गया और यहाँ पे छोटा सा इसी कपड़े की जो लटकन बना के लगाते हैं वो हम लगा देंगे यहाँ पर दोनों पे। तो ये इस तरीके से हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर स्लीव जॉइंट करनी है और नीचे से फोल्ड। तो नीचे से हम थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लेंगे पूरे राउंड में और इसी तरह स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। देखिए नीचे से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है जैसे मैंने आपको बताया था और यहाँ स्लीव्स में इस तरीके से अटैच कर दिए और जो हमने डोरियां छोड़ी थी उसमें इस तरीके से इसी कपड़े के छोटे से ही बना कपड़े के जो लटकन बना के लगाते हैं वो लगा दिए। अब इनको हम यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। तो मैंने एक सुई ली है उसमें एक छोटा वाला मोती डाल लिया है इस तरीके से और एक मैंने बड़ा मोती ले लिया है इसको रोकने के लिए और कुछ छोटे छोटे इस तरीके से गोल्डन मोती और ले लिए। इनको इसमें मैं भर लूंगी धागे में। इस तरीके से अब हम इसमें लेंगे कि हमें कितना लंबा रखना है फिर मोती। तो देखिए इस तरीके से ऐसे हमें इसमें दोनों में लगा देना है। वापस से सुई हम इसमें निकालेंगे और एक टांका यहाँ पर लगा के सुई को बंद कर देंगे। इस तरीके से दोनों लटकन पे हम ये मोती लगा लेंगे। तो देखिए बांधने से हमारा गला बहुत ही सुंदर लगेगा। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये टॉप बनके तैयार हो जाएगा। तो देखिए इसका कितना सुंदर लुक आया है। ये बहुत ही अच्छा टॉप लगेगा जबकि ये पुरानी साइड से है और ये देखिए स्लीव्स भी यहाँ पे पहनने पे बहुत सुंदर लगेंगी। ये दोनों स्लीव्स हमारी बहुत अच्छी लुकिंग दे रही है। इस तरीके से आप भी इसे बनाइए ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई इसमें डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए पैटर्न के साथ नई वीडियो में और अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, घर रहिए। थैंक यू।